हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको जियो F320B में ईयर स्पीकर प्रॉब्लम को जम्पर द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे ई एस स्पीकर के पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट से एक जम्पर लगाएंगे, यहाँ से एक जम्पर हम लगाएंगे और वो जम्पर आपको कहाँ लगाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस पर आपको ऊपर की साइड लगा देना है। उसके बाद दूसरे वाले पॉइंट पर भी एक जम्पर हम लगाएंगे, यहाँ पर यहाँ से एक जम्पर लेंगे और ये वाला जम्पर आपको कहाँ लगाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें ऊपर की साइड लगा देना है, यानी कि आपको जम्पर कुछ इस तरह से करना है। इस तरफ से जो रेजिस्टेंस लगा हुआ इसका जम्पर आपको इस वाले पॉइंट पर करना जो इस तरफ पॉइंट है, और जो ये रेजिस्टेंस लगा है उसका जम्पर इस तरफ जो पॉइंट बना उस पर करना है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको जम्पर कुछ इस तरह से करना है। इस तरह से जम्पर करने से आपके फ़ोन में ईयर स्पीकर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।